संसदीय क्षेत्र में लगने वाले जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर जो निशांत ही पिछड़ा हुआ है, इन जनपदों में कोई मेडिकल कॉलेज, व्यवसायिक कॉलेज या रोजगार हेतु ना कोई उद्यम स्थापित किया गया है, जिससे बेरोजगारी की भयावह स्थिति बहुत पहले से ही विद्यमान है। इसी क्षेत्र के कभी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। आज भी ये दोनों जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर बहुत ही पिछड़े हुए हैं। सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों जनपदों के विकास हेतु विशेष ध्यान देकर मेडिकल कॉलेज, व्यवसायिक कॉलेज या कोई राजकीय विश्वविद्यालय का सृजन कर पिछड़ापन दूर करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्रीमती रक्षा कर से। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे इस जिरौर में बोलने का मौका दिया। हम सब जानते हैं कि अभी जो भी संसद में अभी चर्चा हुई जिरौर में, काफी सांसदों ने महाराष्ट्र के किसानों के बारे में यहाँ पे समस्या आपके सामने रखी, और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा हम महाराष्ट्र के किसानों के बारे में, सूखे के बारे में हम इस सदन में चर्चा करते हैं, और मैं इस बार भी चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के किसानों के बारे में इस हाउस में गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 4 सालों से जो भी सामना किसानों को करना पड़ा उसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने काफी हद तक किसानों को मदद की, और इस बार आशा थी किसानों को कि इस बार अच्छी बारिश हुई है, उनको अच्छी फसल उनके खेतों में आएगी और 2 पैसा उनको मिल पाएगा। लेकिन मतलब ज्यादा बारिश होने के कारण किसानों का 100% नुकसान हुआ है, और राज्यपाल, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है, उन्होंने प्रति हेक्टर 8,000 खरीफ के लिए मदद घोषित की है और हॉर्टिकल्चर के लिए 18,000 प्रति हेक्टर मदद घोषित की है। लेकिन मुझे लगता है, मतलब हम सबको लगता है सांसदों को, कि ये मदद बहुत कम है, तो इस पे गंभीरता से चर्चा होने के बाद सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई अच्छा कदम उठाए। श्रीनिवास जी पाटिल जी। सर, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। बहुत समय के पश्चात आप लोकसभा